इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी वास्तविक है और इसका हर किसी व्यक्ति से लेना देना है। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम विद्यार्थियों को अवेयर कर सकें ताकि वो वीडियो के माध्यम से जो उनके साथ धोखा किया जा रहा है या फिर उनको गलत सूचनाएं दी जा रही हैं उससे बच सकें और वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है कि इससे दूसरों को मदद मिल सकती है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि और सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वो इन अफवाहों से, इन गलत जो भ्रम पैदा की जा रही है वीडियो के माध्यम से, उससे बच सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आदर्श, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो आपके साथ, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना है या फिर यूँ कह लें कि एक जागरूक सूचना है। क्योंकि आज के सूचना तंत्र में क्या होता है कि आपको सूचनाओं की भरमार के साथ घेर दिया जाता है, मतलब आप चारों तरफ से सूचना तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे आप फेसबुक चला रहे हो, चाहे आप यूट्यूब चला रहे हो, चाहे आप ट्विटर चला रहे हो, चाहे आप, मतलब आपके पास सिम भी है तो भी आपके पास मैसेज आता है सूचना का। तो आप चारों तरफ से इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में या फिर इस डिजिटल इंडिया में या फिर डिजिटल वर्ल्ड में सूचना तंत्र से जुड़ चुके हैं और ये बहुत सही भी चीज़ है, मतलब ये गलत चीज़ नहीं है कि आप सूचना के साथ जुड़े हैं। लेकिन इस सूचना तंत्र में जब आपके सामने बहुत सारी सूचनाओं का भरमार होता है तो उसी के साथ साथ आपके पास गलत सूचनाओं का भी भरमार हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से विद्यार्थी या फिर जो एस्पिरेंट हैं इस गलत सूचनाओं के जाल में फंस कर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है पेपर अच्छा नहीं आया या फिर कुछ और कमी रह गई, क्योंकि हम इन चीज़ों में फंस कर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। देखिए, अभी दो दिन पहले एक सूचना आई थी, कई लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे कि 1 करोड़ फॉर्म रिजेक्ट किया जा चुका है। अब एक चीज़ बताइए कि रेलवे की जब भर्ती आई थी तो इसमें 2 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, 2 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए और 1 करोड़ फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मतलब आप सूचना पर मत जाइए, आप एक बार लॉजिकल सोच के देखिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं, कभी भी 1 करोड़ फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकते। और एक चीज़ और बता दें, अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी फॉर्म भरा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएँ हो जाती हैं आपके फॉर्म भरने में, कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं। आप एक क्लास से लेकर आप इंटर तक, ग्रेजुएशन तक पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपने गलती की हुआ होगा और टीचर ने क्या कहा होगा कि ये गलत है, इसको आप सही करके लाओ। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपसे गलती हो जाती है और जब सब कुछ सबमिट हो जाता है, ऑप्शन नहीं रहता एडिट करने का, तो उस समय रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। ये बहुत सामान्य सी चीज़ है, सामान्य सी घटना है जो सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं आप और उसका फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक सामान्य सी अवधारणा है या फिर सामान्य सी ये घटना है जो होती रहती है। तो फॉर्म रिजेक्ट होना ये बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ फॉर्म रिजेक्ट होना ये सबसे बड़ा न्यूज़ है और ये गलत न्यूज़ है। तो मैं आपसे स्पेशली यही बात करने वाला हूँ कि आज के समय में जो सूचना तंत्र है उसमें आपको अफवाहों के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। लोग आपके पास सबसे जल्दी न्यूज़ लेकर आना चाहते हैं, सबसे जल्दी यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देना चाहते हैं और उसी जल्दीबाजी के चक्कर में वो सही और गलत का फैसला करना भूल जाते हैं और जो भी उनके पास न्यूज़ आता है वो आपके पास पहुँचाने की कोशिश करने के चक्कर में या फिर व्यू पाने के चक्कर में या फिर पैसा कमाने के चक्कर में आपको गलत सूचनाएँ दे देते हैं और आप उन्हीं गलत सूचनाओं की वजह से फंस कर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो हर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षा के लिए, हर राज्य के लिए एक एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपी की बात करें तो यूपी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसके लिए भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। रेलवे की बात करें तो उसके लिए भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब कि जो भी भर्ती निकलता है उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो कभी भी कोई भी चेंजेस होता है तो सबसे पहले सूचना जो होती है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है या फिर उस पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप विजिट करने की कोशिश करिए। कभी भी कोई परिवर्तन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप उस पर विजिट करिए। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। पहला तो हो गया वेबसाइट, ठीक, पहला तो वेबसाइट पर आप विजिट करिए अगर कभी भी आपको चेंजेस देखने को मिले। और दूसरा, रेलवे में जो रेलवे के रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कोल,
पीयूष गोयल जी, ये है इनका ट्विटर हैंडल। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे बड़ी समस्या है कि ट्विटर हैंडल हम पहचाने कैसे। ट्विटर में भी आपको बहुत सारे इनके नाम से ट्विटर हैंडल दिख जाएंगे जो इनके द्वारा नहीं बनाए गए और किसी अन्य लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, और इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये है इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीयूष गोयल जी का। यहाँ पर आप देख लीजिए मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके जो फॉलोवर है वो 4.1 मिलियन है और ये 446 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये है इनका ट्विटर हैंडल। इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि रेलवे संबंधित कोई भी अपडेट होता है तो वो इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी भी एग्जाम से संबंधित डेली सूचना कोई दे रहा है तो समझ जाइए कि पहली बात तो वो सूचना गलत ही होगी, क्योंकि डेली किसी भी एग्जाम में परिवर्तन नहीं होता। प्रतिदिन आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, ऐसा हुआ ही नहीं है कि डेली परिवर्तन हो, डेली आपके लिए ये न्यूज़ आ जाएगा, डेली न्यूज़ ये आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ जो भी इन चीज़ों को समझते नहीं है उनके लिए वीडियो है, उनके अवेयरनेस के लिए है कि आप ऐसे अफवाहों से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। धोखा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके उम्मीदों के साथ खेला जा रहा है, आपके विश्वास के साथ खेला जा रहा है। तो ये आपके लिए धोखा है। आप ऐसे भ्रामक अफवाहों से बचने की कोशिश करिए, अपनी पढ़ाई करिए और ऑथेंटिक सोर्स को देखने की कोशिश करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको सही जानकारी देते हैं, सही सूचना देते हैं, तो आप उनके पास जाने की कोशिश करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। अफवाह जो आपको देते हैं, प्लीज़ आप लोग उनके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए। अगर आपको कोई अफवाह दे रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अफवाह मिल रहा है, तो आप उनके वीडियो को रिपोर्ट करिए, क्योंकि आपके भावनाओं के साथ खेलने का हक किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए, ऐसी भ्रामक सूचनाओं से बचने की कोशिश करिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप CBSE में हो, 10th में हो, 12th में हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे अवेयरनेस फैलाते रहिए, गलत सूचनाओं से बचने की कोशिश करिए। जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, उनके साथ बचने की कोशिश करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, यानी कि आप भी धोखा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, दूसरों को भी जागरूक करने की कोशिश करिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार से लोगों यानी स्टूडेंट के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और उनको गलत सूचनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।